धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शहीद भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि युवाओं को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, हमने खेलों के लिए 298 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने मात्र 38 करोड़। बता दें, आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। उन्होंने शहीद भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि युवाओं को इन शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने शहीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पण व दीप प्रज्वलित कर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने देश की जो आजादी का बीड़ा उठाया और आजादी का स्वप्न देखा, उसके लिए युवावस्था में ही देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। खेल मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को भी अपने लिए नहीं अपितु देश के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हमें जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका धैर्य से सामना करना चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बजट सत्र की चर्चा करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि 20 दिन बजट सत्र चला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को एक अच्छा बजट दिया, जिसमें हर वर्ग, किसान, ग्रामीण, शहरी वर्ग, युवा, महिलाओं, सबके लिए बजट बढ़ाया गया है। वहीं संदीप सिंह ने विपक्ष कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमने खेलों के लिए 298 करोड़ रुपए दिए, जबकि उन्होंने मात्र 38 करोड़ रुपए दिए थे। पूरा देश भर में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और युद्ध के आइकॉन भी रहे। देखिए, शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु जी, शहीद सुखदेव जी, बहुत साल पहले जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि देश को हमने आज़ाद करवाना है और देश के अंदर एक अलग लहर लेकर आनी है। देखिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को, आज़ादी को ही एक रूप मांगा था कि देश को हम आज़ाद करवाएंगे। और उनकी जो शहादत है वो देश के, देखिए पिक्स में उनकी कई प्रकार की बॉलीवुड में बायोपिक्स आई हैं, उसमें देखा है कि एक यंग एज में, युवा स्थिति में आप देश के लिए इतना सोचते हैं। आज की युवा पीढ़ी अपने लिए सोचती है। मुझे लगता है कि हमें उनके जीवन पर जो भी किताबें आई हैं, जो भी बायोपिक्स, हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ों में जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि हमें खुशी के साथ और एक जिसको कहते हैं धैर्य के साथ हमें उसको फेस करना चाहिए। हर इंसान को खुशी भी आती है, गमी भी आती है, और हमें हर समय अपने आप को एक जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मैंने उनके जीवन में सीखा है और उनके जीवन में जितने भी छोटे छोटे जो किस्से हैं, वो किस्से हमें एक सक्सेस होने तक पहुंचाने तक बहुत से लाभकारी होते हैं। हमें उन किस्सों के ऊपर जो भी स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी आज की युवा पीढ़ी जो है अपने अचीव करने के लिए, अपना जो गोल बनाकर, जो उनका एक लक्ष्य है, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके जीवन की कहानी पढ़कर मुझे लगता है कि उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। विधानसभा का सत्र काफ़ी अच्छा चला, क्या कुछ है? देखिए, बजट सेशन था, काफ़ी इस बार अलग रूप में था। लगभग आप देख लीजिए कि 20 दिन के लगभग, ये बीच में अगर ब्रेक्स लगा कर चलें तो 20 दिन टोटल सेशन चला। और इस बार बहुत अच्छा बजट भी आया है हरियाणा का, हर प्रकार के लिए। और इसमें चाहे हम खेल की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे पीएनबीएनआर की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे हम शहरी विकास की बात करें, हर विभाग के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर प्रकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बढ़ाया है। और इस बार जितना भी बजट है वो बढ़कर और हरियाणा की जनता के लिए समर्पित है। विपक्ष पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष का मतलब क्या है? महंगाई को लेकर देखिए, विपक्ष का मतलब क्या है? मैंने एक बात कही थी कि 2005 से लेके 2014 तक उनकी सरकार रही है, कांग्रेस सरकार, तो उस समय तक मुझे लगता है कोई 37-38 करोड़ रुपया ही सिर्फ खिलाड़ियों को बांटा गया। बजट सेशन था, काफ़ी इस बार अलग रूप में था। और लगभग आप देख लीजिए कि 20 दिन के लगभग, ये बीच में अगर ब्रेक्स लगा कर चलें तो 20 दिन टोटल सेशन चला। और इस बार बहुत अच्छा बजट भी आया है हरियाणा का, हर प्रकार के लिए। और इसमें चाहे हम खेल की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे पीएनबीएनआर की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे हम शहरी विकास की बात करें, हर विभाग के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर प्रकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बढ़ाया है। और इस बार जितना भी बजट है वो बढ़कर और हरियाणा की जनता के लिए समर्पित है। विपक्ष फिर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है? देखिए, विपक्ष का मतलब क्या है? महंगाई को लेकर देखिए, विपक्ष का मतलब क्या है?
मैंने एक बात कही थी कि 2005 से लेके 2014 तक उनकी सरकार रही है, कांग्रेस सरकार, तो उस समय तक मुझे लगता है कोई 37-38 करोड़ रुपया ही सिर्फ खिलाड़ियों को बांटा गया है। और एग्जैक्ट नंबर अगर आप देखें तो 2014 से लेके 2021 दिसंबर तक हमने 298 करोड़ रुपया बांटा है, तो आप देख सकते हैं कितना फर्क है। खबर नामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।